तो सिविल हॉस्पिटल से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दमकल विभाग की जो गाड़ी है वो भी मौके पर पहुंच चुकी है, आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार बताना चाहेंगे कि ट्रॉमा सेंटर के ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग होने से आग लगी है। जी हाँ, आग लगी है, तस्वीरें लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मौके पर टीम पहुंच चुकी है, आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। किसी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं पहुंची है, लेकिन ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग से आग लगी है। मौके पर जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी पहुंच चुके हैं। आगे के लिए तारों का भी चेक किया जा रहा है ताकि जो आग लग चुकी है दोबारा से आग न लगे। कर्मचारियों के द्वारा आप देख सकते हैं कि तारों को भी चेक किया जा रहा है। मौके पर तस्वीरें इस समय आपको अपने चैनल के माध्यम से ट्रॉमा सेंटर के ट्रांसफार्मर के बिल्कुल पास से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं। अपील है, चौदह दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, इस खबर को शेयर जरूर करें। एक बार बताना चाहेंगे कि ट्रॉमा सेंटर में सुबह 10:30 के बीच में ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग होने से आग लगी है। किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन आग काफी लगी है। आग बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। मौके पर फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो आग बुझाने के लिए पहुंच चुकी है, और जो ट्रॉमा सेंटर के जो कर्मचारी है वो भी, सुपरवाइजर भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। सुपरवाइजर से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, आगे के लिए क्या कुछ चेकिंग की जा रही है ताकि दोबारा से स्पार्किंग के चांसेस ना हो। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आग बुझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं तारों की चेकिंग की जा रही है ताकि दोबारा से स्पार्किंग के चांसेस ना हो, दोबारा से आग ना लगे, कोई नुकसान ना हो, किसी को किसी प्रकार की हानि ना पहुँचे। तो तस्वीरें लगातार आपको अपने चैनल के माध्यम से हम दिखा रहे हैं ट्रॉमा सेंटर। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जिला यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर से। बताना चाहेंगे कि ट्रॉमा सेंटर के ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग होने से लगी आग। जी हाँ, ट्रांसफार्मर में आग लग चुकी है। आगे के लिए फायर ब्रिगेड की जो टीम है उन्हें सूचित कर दिया गया है। मौके पर गाड़ी पहुंच चुकी है, आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, और ट्रॉमा सेंटर के जो बिजली विभाग के जो सुपरवाइजर हैं मौके पर वो भी पहुंच चुके हैं, और कर्मचारियों के द्वारा तारों को पूरी तरह से चेक किया जा रहा है ताकि आगे के लिए स्पार्किंग के दोबारा से चांसेस ना हो, क्योंकि स्पार्किंग होगी तो दोबारा से आग लगने के फुल चांसेस है। तो तस्वीरें इस समय आपको ट्रॉमा सेंटर के ट्रांसफार्मर के बिल्कुल पास से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा। कितना कुछ नुकसान हुआ है और किसी को चोट तो नहीं पहुंची है, आगे का पूरा मामला जानने के लिए अगर जानकारी हासिल करना चाहते हैं हमारे यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल पर हमारे साथ लाइव बने रहे और खबर को शेयर जरूर करें। सर, कैसे सूचना मिली आपको, कितने बजे मिली ट्रांसफार्मर फोन द्वारा? लगभग 10:20 बजे हमें सूचना मिली। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई और आग को पानी डालकर बुझा दिया गया। तो सर, आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, थोड़ी बहुत ही केबल का नुकसान हुआ। तो आगे के लिए क्या कुछ चेकिंग की जा रही है? चेकिंग बिजली बोर्ड द्वारा चेकिंग की जा रही है, जो भी शॉर्ट सर्किट हुआ होगा उसको दुरुस्त करके ठीक कर दिया जाए। तो सर, किसी को कोई चोट वगैरह? कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं, किसी सामान का कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी के जानी नुकसान नहीं। तो दोबारा से स्पार्किंग ना हो इसके लिए क्या कुछ चेकिंग की जा रही है? लाइन मैन आए हुए हैं बिजली बोर्ड के, वो चेक कर रहे हैं। सर, ये जो आग लगी है वो कैसे लगी है आग? यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पार्किंग की वजह से आग लगी थी। दमकल की गाड़ी बाहर से बुलाई गई थी जिसको आग को काबू पा लिया गया है, और उम्मीद है कि 5-10 मिनट में ट्रॉमा सेंटर और सब कुछ लाइट चल जाएगी। तो सर, कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर? कोई भी नुकसान नहीं हुआ, दमकल की गाड़ी टाइम पे यहाँ पे पहुँच गई थी। तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय सिविल हॉस्पिटल से, आपको बताना चाहेंगे कि ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग होने से यहां पर आग लग चुकी है। जी हां, आग लग चुकी है। एक बार तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, आग जो है बुझ चुकी है, लेकिन अभी भी जो बिजली डिपार्टमेंट से जो लोग हैं यहां पर पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि आगे के लिए चेकिंग की जा रही है कि दोबारा से चांसेस ना हो स्पार्किंग के कारण आग लगने से। तो तस्वीरें इस समय हम आपको मौके पर सिविल हॉस्पिटल से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड वालों को सूचित कर दिया था, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहां पर पहुंच चुकी थी, और साथ ही साथ जो है आग बुझा दी गई है। तस्वीरें लगातार आपको यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से सिविल हॉस्पिटल से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बिजली वाले अभी भी पूरी चेकिंग कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं जो कर्मचारी है यहाँ पर पहुँच कर अपना काम कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं ताकि दोबारा से स्पार्किंग के चांसेस ना हो, क्योंकि दोबारा से स्पार्किंग हुई तो आग जो है दोबारा से लग जाएगी। तो ट्रांसफार्मर के पास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल पास से अंदर से आप देख सकते हैं कि स्पार्किंग के कारण ट्रांसफार्मर में आग लग चुकी है। तस्वीरें लगातार आपको यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं चेकिंग की जा रही है कि दोबारा से ऐसी अनहोनी ना हो, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा ही ऐसा मामला था जो एकदम से शांत हो गया। अगर ज़्यादा आग की लपटें ज़्यादा होती तो बहुत नुकसान भी हो जाता। तो तस्वीरें लगातार आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चेकिंग की जा रही है पूरी, जो बिजली डिपार्टमेंट से जो कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुँच कर चेक कर रहे हैं। तो आगा ले जा, आगा ले जा, आगा ले जा।
आग जो है बुझ चुकी है, लेकिन अभी भी जो बिजली डिपार्टमेंट से जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि आगे के लिए चेकिंग की जा रही है कि दोबारा से चांसेस ना हो स्पार्किंग के कारण आग लगने से। तो तस्वीरें इस समय हम आपको मौके पर सिविल हॉस्पिटल से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड वालों को सूचित कर दिया था, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पर पहुँच चुकी थी और साथ ही साथ जो है आग बुझा दी गई है। तस्वीरें लगातार आपको यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से सिविल हॉस्पिटल से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बिजली वाले अभी भी पूरी चेकिंग कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं जो कर्मचारी है यहाँ पर पहुँच कर अपना काम कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं ताकि दोबारा से स्पार्किंग के चांसेस ना हो, क्योंकि दोबारा से स्पार्किंग हुई तो आग जो है दोबारा से लग जाएगी। तो ट्रांसफार्मर के पास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल पास से अंदर से आप देख सकते हैं कि स्पार्किंग के कारण ट्रांसफार्मर में आग लग चुकी है। तस्वीरें लगातार आपको यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं चेकिंग की जा रही है कि दोबारा से ऐसी अनहोनी ना हो, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा ही ऐसा मामला था जो एकदम से शांत हो गया। अगर ज़्यादा आग की लपटें ज़्यादा होती तो बहुत नुकसान भी हो जाता। तो तस्वीरें लगातार आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चेकिंग की जा रही है पूरी, जो बिजली डिपार्टमेंट से जो कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुँच कर चेक कर रहे हैं।